ऐसा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। शादी करवा रहे हो बेटा, सूरत लेकर क्या करोगी जब दिल ही नहीं अच्छा हो। वो बहुत
कहती, चलो कोई बात नहीं, अब आप इतना कह रही हो तो कोई बात नहीं, मुझे ये वाली रिंग ज्यादा पसंद आई। I'm sorry ma'am, but इसको आप नहीं ले सकती, इसको रख दीजिए, वो actually इसको किसी ने पहले ही पसंद कर लिया है और पेमेंट भी करके गया है, अब थोड़ी देर में आता ही होगा, आप नहीं ले सकती, sorry। जब किसी ने इसको पसंद कर ही लिया है तो इसको सामने क्यों रखा है, हाँ कि कोई और भी उसे पसंद कर ले। नो, मुझे यही चाहिए मॉम, मुझे यही लेना है, वरना मैं रिंग नहीं लूंगी। बेटा प्लीज जिद मत करो, देखो ये पहले से बिक चुकी है, इन्होंने बताया तो, हम लोग दूसरे का माल कैसे ले सकते हैं। नहीं नहीं, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी शॉप से ले लेंगे, चलो। बट मॉम, वो रिंग मुझे बहुत पसंद आई, मुझे वही चाहिए। बेटा प्लीज जिद मत करो, देखो हम लोग कहीं और से ले लेंगे, प्लीज चलो अब। जी मैन और कुछ नहीं बोलती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, वो कौन थी, हम और क्या बोल रही थी? वो एक्चुअली सर, आपने जो रिंग पसंद की थी ना, उसी को मैं मांग रही थी, लेकिन मैं कैसे दे रही थी, आपने तो पहले खरीद ली थी इसलिए मैंने नहीं दी, ये लीजिए। ओ तो कहाँ गई वो लड़की? सर वो है, वो देखो जा रही है। मैं कह दूंगा खुदा को तू है मेरी, बस मेरी नशा मुझको है तेरा, तू ही मरहम है मेरी। सर सर क्या हो गया आपको, ये लीजिए आपकी रिंग। थैंक यू सो मच। सुगा जान लेता है कि तभी वो रुक के कहता है, एक सेकंड, तुमने क्या कहा, वो लड़की ये रिंग लेने आई थी, लेकिन ये तो वेडिंग रिंग है ना, तो वो क्यों लेने आई थी? सर ऑफ कोर्स उसकी शादी होगी इसलिए वो वेडिंग रिंग लेने आई थी, और उसकी मॉम भी बोल रही थी शायद उसकी शादी है, इसका मतलब उसकी शादी होने वाली है। कोई बात नहीं, देखना ये शादी नहीं होगी, बिकॉज तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, ये शादी मैं तोड़वा दूंगा, और जिसने भी तुमसे शादी करने की हिम्मत की है ना वो भी मरेगा। सर क्या हुआ, ये लीजिए आपकी रिंग, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या, ला दो। एंड हाँ, तुम अपनी शॉप का ध्यान रखना, कहीं कल रात में ये ब्लास्ट ना हो जाए, ओके बाय। हाँ ये क्या बोल कर गया पागल कहीं का। माशाल्लाह जिमिन, तुम कितनी कतई जहर लग रही हो, मैं क्या ही बताऊँ, देखना शादी में सारे लड़के ना तुमसे शादी कर लेंगे, इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम भी नाते क्या बोले जा रही हो, और वैसे भी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बुरा फील हो रहा है, लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जिमिन, वो एक्चुअली तेरी शादी होने वाली है ना, इसलिए तुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बट डोंट वरी, जब तू दूल्हे को देखेगी ना तो तेरी सारी घबराहट दूर हो जाएगी, क्योंकि जब तक की रहती है जब तक की दूल्हे को देखो नहीं, तो तू जब देख लेगी तो तुझे घबराहट कम हो जाएगी। तो अब चल, अभी जाना होगा, एक काम करो तुम जाओ मैं भी आती हूँ, थोड़ा सा काम है वो कर लूँ उसके बाद आती हूँ। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ जल्दी वापस आ जाना क्योंकि सब बाहर वेट कर रहे होंगे। ओके बाय। फिरते वहाँ से चली जाती है, जिमिन वॉशरूम में जाती है अपनी हैंड वॉश करने। ओ गॉड, इस डे को बिना बिल्कुल भी सबर नहीं है, क्या करूँ। अच्छा ठीक है मैं उसे बता देती हूँ। इतना बोलकर जिमिन जैसे पीछे मुड़ती है वो शॉक हो जाती है। हाँ तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें किसने आने दिया? मम्मा रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, एंड हाँ तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी बिकॉज बाहर बहुत शोर है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम इस यहाँ पर कैसे आए, तुम तो वही हो ना जो पार्टी में थे। वाओ तुम्हें मेरा चेहरा अभी तक याद है, क्या कर रहे हो तुम, हटो। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक नंबर की बदतमीज किस्म के इंसान हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने मुझे धक्का मारा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक मैं उसके हाथ काट कर समुद्र में फेंक आता। जिमिन पानी का गिलास उठाती है और शुगा के मुंह में मार देती है, जिससे शुगा थोड़ी देर तक कुछ नहीं देख पाता है, तब तक के लिए जिमिन भाग जाती है। मैं भी प्यार से कह रहा हूँ, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, अब इसे बताना पड़ेगा कि शुगा क्या चीज है। हाँ ये क्या हो गया, ये दरवाजा बाहर से कैसे लाओगे, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, अभी तो वो बाथरूम से बाहर निकल आएगा, क्या करूँ। नहीं मुझे विंडो ही से भागना होगा, जिमिन को कुछ समझ नहीं आता है इसलिए वो विंडो ही से भाग जाती है। शुगा बाहर आता है तो वो देखता है कि जिमिन वहाँ पर नहीं थी, तब उसकी नज़र विंडो पे जाती है। ओ तो तुम भाग गई, कोई बात नहीं कहाँ तक भाग के जाओगी, आखिर से तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, देखना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा चाहे जितनी दूर भाग लो। इतना बोलकर शुगा किसी को कॉल लगाता है और इविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन कहाँ पर है, इतनी देर हो गई लेकिन वो अभी तक नहीं आई, प्लीज तुम जाकर देखो क्या कर रही है जिमिन। हाँ बेटा तुम जाकर देखो जिमिन कहाँ पर है, वेडिंग का टाइम निकल जा रहा है। डोंट वरी अंकल आंटी, मैं भी देख के आती हूँ।
जाती हूँ। जिमिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन इतना टाइम लगा रही है। फिर टे डोर को ओपन करती है तो वो देखती है कि जिमिन वहाँ पर नहीं थी और वो घबरा जाती है। जिसकी वजह से उसके पैर में दर्द हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा शांत हो जाती है कि तभी जिमिन को कैरी करता है और कार में बिठा लेता है और अपने घर ले जाता है।